कंट्रीब्यूट बिरादरी के अंदर, बहुत बड़ा कंट्रीब्यूट। भरपूर तालियों में मेरे इस दोस्त का इस्तकबाल कीजिएगा, जनाब अख्तर हुसैन शहजाद साहब। अख्तर हुसैन शहजाद साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि वो जाए करम स्टेज पे तशरीफ लाएं। एक मिनट, आपको तो बोलने की जरूरत ही नहीं है, आप तो माशाल्लाह। मसला ये है कि तुमने सिर्फ दो मिनट दिए मुझे, और अकरम भाई के साथ खड़े हो ना तो दो मिनट बहुत कम लगते हैं। तो बात यह है कि मैं सबसे पहले कच्छ मरकज़ जमात और उनकी क्रिकेट टीम को मुबारकबाद दूंगा। मेरा ताल्लुक स्टूडेंट फेडरेशन, मरकज़ जमात और प्रेसिडेंट काउंसिल सबसे रहा है। साथ साथ आज जो मुझे यहाँ पर मधु किया गया है वो मेरे ख्याल से फ्रेंड्स ऑफ मेमन जो मेरी अपनी ऑर्गेनाइजेशन है वो चल रही है उसके लिए मधु किया गया है। तो मैं बताता चलूँ, थोड़ा सा टाइम लूँ, सिर्फ के फ्रेंड्स ऑफ मेमन बरादरी के लिए काम कर रही है। शादी मदद हो तो इस वक्त तकरीबन हम सालाना 50 लाख रुपए हम जो है शादी मदद में दे रहे हैं, और मेरे ख्याल से ये फिगर बरादरी में सबसे ज़्यादा जो है जो इदारा दे रहा है वो हम ही हैं। इसके अलावा एक और अहम काम जो हम कर रहे हैं वो है कारोबार में एयानत। हम हमेशा जो है वो ज़कात के पैसों से तो लोगों को मदद करते थे, हमारे इदारा पहला इदारा है जो लोगों को बिलासूद कर्ज़ा पे कर्ज़ा फराहम करे कारोबार के लिए, और अब तक तकरीबन 40 लाख रुपए जो है इस साल लोगों का कर्ज़ा दिया जा चुका है आसान किस्तों पे। कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिला इंटरेस्ट बिला सूद ये कर्ज़ा दिया जा रहा है। जो भी बंदा जो भी कच्ची में मन कारोबार करना चाहता है और कर्ज़े के लिए आता है वो हमारे पास आए, हमारी मदद उसके लिए हाजिर रहेगी। इसके साथ साथ ज़कात की मद में भी अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता है तो उसके लिए भी हम हाजिर हैं, और अब तक मैं तकरीबन 15 से 20 लाख रुपए ज़कात की मद में भी साल हम दे चुके हैं। राशन हमारा ट्रेडमार्क प्रोग्राम है, रमज़ान में तकरीबन हम 1500 फैमिलीज़ को राशन फराहम करते हैं। फ्रेंड्स ऑफ मेमन जो है अब अपनी कारकर्दगी को वसत देता हुआ बरादरी के साथ साथ हमने इंटीरियर सिंध में भी काम शुरू कर दिया है। मैं आप लोगों को बताता हुआ ये खुशी महसूस करूंगा कि फ्रेंड्स ऑफ मेमन के तहत इस वक्त इंटीरियर सिंध में हमारी 10 मसाजिद और मदरसे जो है वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिसमें कम से कम 600 बच्चे जो हैं वो मुफ्त मदनी तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ये आप लोगों की दुआएं हैं जिससे ये हमारा इदारा चल रहा है और आप लोगों का ताउन है। मैंने हमेशा ये सुना है कि कच्ची मन मरकज़ जमात जो है वो हाउसिंग के मद में जो है वो रकम फराहम करती है, लेकिन मुझे अफसोस होता है कि जो हमारे जितने केसेस हैं मुझे पता चला कि तकरीबन 250-300 केसेस पेंडिंग है और 14 लोगों को हमने घर दिए हैं, तो तादाद बड़ी कम है। तो जो इस तरतीब से अगर देखा है तो एक अप्लीकेंट के पास जब नंबर आएगा तो कम से कम 10-12 साल लग जाते हैं। तो इस सिलसिले में भी हम इस पर फ्रेंड्स ऑफ मेमन भी इस पर काम कर रहे हैं। इब्तदा में हमने कोशिश ये की है कि वो लोग जो घर नहीं खरीद सकते उनकी दे करके इब्तदाई तौर पर उनको किराए की मद में 1 साल 2 साल का किराया उनको दें, ताकि वो जो है ये मसला उनका जब तक मरकज़ जमात या खिदमत कमेटी जो घर दे रही है जब तक वो उसको नहीं उधर उस वक्त तक उनके एप्लीकेशन में उनका नंबर नहीं आता तो उस वक्त तक उनकी फ़िलहाल वक्ती मदद जो है वो किराए की मद में फ्रेंड्स ऑफ मेमन करते हैं। तो ये काम भी हम कर रहे हैं अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से ये काम जारी रहेगा। बरादरी के तमाम इदारे तमाम जमातें हमारे लिए साहिब हमारे लिए मोतबर हैं, उनके केसेस हमारे पास आते हैं और हम उनको अवेल करते हैं। शुक्रिया।